फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद द टर्म साइकोलॉजी, ठीक है। साइकोलॉजी इज ड्राइव फ्रॉम द टू वर्ड्स दैट ग्रीक वर्ड्स साइको विच मीन्स माइंड एंड सोल, साइको मीन्स माइंड एंड सोल एंड लोगस मीन्स साइंस, ठीक है। बट नाउडेज what we call this, it is defined as a systematic study of human behavior, psychology, ठीक है। इसको अदरवाइज हम बोलते थे study of soul or mind, now it is a systematic study of behavior of human behavior, आप कह लो। हम study animal के पे भी करते हैं, उनके behavior पे करते हैं। you have seen कितने लोग हैं, लोगों ने वो रिसर्च की है डिफरेंट, उनकी लैंग्वेज को स्टडी करने की, एनिमल्स की उनकी वॉइस, वो कैसे बुलाते हैं। आपने डिस्कवरी में यू हैव सीन बहुत से ऐसे लोग हैं जो इयर्स टू, मतलब आप कई मंथ्स इयर्स बैठे होते हैं फॉरेस्ट में, और उनकी वीडियो बनाने के लिए, एक एक मूवमेंट की वीडियो के लिए वो फिक्स अपने कैमरे कर देते हैं। वो आपने देखा हो कितनी नॉलेज होती है उनको, वास्ट नॉलेज रिगार्डिंग एनिमल। वो कब कहाँ जाते हैं, विंटर में कहाँ होते हैं, समर में चेंज करते हैं, बर्ड्स दे आर फ्लाइंग फ्रॉम वन ओशन टू अलग, ये सारी चीजें बिहेवियर, उसको स्टडी करने से ही पता लगता है। जितना आप रिसर्च करोगे, गो थ्रू इनसाइड जाओगे किसी भी चीज में, आपको उतनी नॉलेज मिलती रहेगी। और ये एक बेटा सब्जेक्ट ऐसा है, ये आपके बहुत काम आता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में आपको टीचर हो, आप कोच हो, ठीक है, आप प्रोफेसर हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, अगर आपको जिसको बोलते हैं ना रीडिंग साइकोलॉजी स्टडी बिहेवियर करना अपने एम्प्लॉइज का आता है, अपने सबॉर्डिनेट्स का आता है, तो दैट विल इजियर फॉर यू टू एडमिनिस्ट्रेट, ठीक है। कोई भी अगर बैठता है उसको अपने, अब एक आपका स्पोर्ट्स में टीम इवेंट में एक कैप्टन है आपका, सिंपल एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर उसको अपने टीम मेट्स का बिहेवियर का नहीं पता होगा तो वो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा जितना जिसको ज्यादा नॉलेज होगी। सिंपल है, उसको मुझ पता है मुझको ये मेरा प्लेयर है, ही इज मोर एग्रेसिव, वो बहुत एग्रेसिव खेलता है, ये बड़ा कूल होके खेलता है। डिफरेंट सिचुएशंस ऐसी आती हैं बेटा स्पोर्ट्स में जहां पे आपको एग्रेशन की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। एग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स, वो भी होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आप चुपचाप ऐसे दब्बू बन के खेल रहे हो और अंडर प्रेशर खेल रहे हो तो नेचुरली दूसरा आप पे हावी होगा, इट इज क्वाइट, ठीक है। और जो बोल के खेलते हैं, अपने देखा होगा सम टाइम डिफरेंट प्लेयर दे आर शाउटिंग, वो अपने आप से बोल के खेलते हैं, कम ऑन फाइट वी विल डू, और सम प्लेयर्स दे आर कीप क्वाइट, वो अपने आप में कंसंट्रेट करके खेलते हैं, और कई क्या होते हैं डर के खेलते हैं। आपने देखा होगा वो पहले ही डर जाएंगे, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। अच्छा कोई प्लेयर सामने आ गया या टीम आ गई है तो वो क्या होगा, वो पहले ही वो हमसे बहुत अच्छा है, वो हमसे बहुत स्ट्रांग है, हम जीत नहीं सकेंगे। बहुत से प्लेयरों की ये साइकोलॉजी होती है, आपने देखना मैच से पहले, और जो अच्छा प्लेयर है बड़ा प्लेयर है वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने गेम पे अपने इवेंट पे कंसंट्रेट करेगा। अभी आपने देखे डिफरेंट व्यूज प्राइम मिनिस्टर के विद द ऑल ओलंपियंस, देखा है आप लोगों ने बेटा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी, नहीं ओ नहीं बेटा, दैट इज मतलब एक फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कि एक प्राइम मिनिस्टर ने एक पार्टी होस्ट की है, जितने भी आपके ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए थे, ये नहीं कि ओनली विनर्स, ऑल द ओलंपियंस, और इतना अच्छा उन्होंने गेट टुगेदर किया, एक एक प्लेयर से बात की है, ठीक है, जो क्वालिफाई हुए, सम ऑफ देम दे आर रियलाइजिंग कि हमने अच्छा नहीं किया, सॉरी, ठीक है, कोई बोल रहा था हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, या हम सेमीफाइनल तक गए या फाइनल राउंड तक गए, तो उनका प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था कि इतने 135-40 करोड़ में से क्वालिफाई करना, ठीक है, इट्स सेल्फ अ ग्रेट अचीवमेंट। नो डाउट कि आप 120 के 20 सारे मेडल तो नहीं लेके आओगे, बट स्टिल अगर जिसने क्वालिफाई किया है, जो आगे राउंड तक गया है, वो भी एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो बेटा। उसमें आपके यूट्यूब में वगैरह देखना कभी, बहुत अच्छी है उसमें, इतना मतलब उन्होंने जिसको प्रॉमिस किया था मैं आपके साथ
शेयर करूंगा आइसक्रीम, ठीक है, वो पीवी सिंधु, फिर वो अपना नीरज चोपड़ा, वो क्या चूरमा बहुत खाता है, वो भी माँ के हाथों का, वो सारी चीजें, मतलब उनको एक एक प्लेयर का हिस्ट्री का पता था, ये कहाँ से किसको इंजरी हो गई है, बजरंग उसको पहले इंजरीज हो गई थी, फिर भी वो गया, उसने वहां मेडल लिया। तो दिस इज अ साइकोलॉजी, आपने कैसे उनका मोरल बूस्ट करना है, जिससे वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल। आपने कभी देखा किसी को, स्पोर्ट्स मिनिस्टर को और किसी प्राइम मिनिस्टर को ऐसे कभी किसी भी प्लेयर्स को बुला के बुलाया हो, बिठाया हो, किया हो? आप ये देखो, एक प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे हो, आपको माइक पकड़ रहा है वो आपका, और बताओ आप, सम ओलंपियन जिनसे माइक ऑफ हो गया, उनका माइक पकड़ के उन्होंने हाथ में अपने पकड़ा है और उनसे उनके व्यूज ले रहे, कितना मोटिवेट होता है वो आदमी कि प्राइम मिनिस्टर मुझसे इंटरव्यू कर रहा है, मुझसे पूछ रहा है मेरे बारे में। तो नेचुरली कमिंग आपकी एशियन गेम्स है, कॉमनवेल्थ गेम है, देन आपका अगेन आपका ओलंपिक आ जाएगा, ठीक है, अब तो 3 ईयर्स के बाद आ जाएगा ना, क्योंकि ये 2020 में होना था। तो ये एक डिफरेंट लेवल होता है आपका, डिफरेंट अप्रोच टुवार्ड्स योर स्पोर्ट्स पर्सन, कि आपने उनको कैसे मोटिवेट करना है, उनको उनका मोरल कैसे बूस्ट करना है। तो ये साइकोलॉजिकल फीडबैक, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी के भी कैरियर में, रिगार्डिंग आप स्पोर्ट्स के ले लो, पढ़ाई के ले लो, एकेडमिकली ले लो, एनी फील्ड, ठीक है। अगर आपका आप मोटिवेट होते हो, आपको एक टारगेट आपको पता लग जाता है, आपको अपना एम्बिशन पता लग गया, मैंने क्या करना है और कैसे अचीव करना है, और कितना अच्छा उन्होंने सबने बोला कि हमको गवर्नमेंट ने दोज जिनका जिनको पता था कि ये बच्चे हमारे मेडल ले सकते हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने ईच एंड एवरी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड की थी विद द बेस्ट कोचिज ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो बेस्ट कोच थे वो हायर किए थे आपको, एज यू नो, आपको पता है नीरज चोपड़ा का कोच कौन था? यस सर, जर्मन का था कोई। हाँ, जर्मन का था, और वो जर्मन के बेस्ट थ्रोअर हैं वर्ल्ड में, उसका 100 मीटर का रिकॉर्ड था, वो उसको हायर करके दिया है। देखो, जर्मन गवर्नमेंट ने नहीं किया, उसने उन्होंने हायर किया है। तो जितने भी आपके पीवी सिंधु का जो कोच था वो भी आपका कोरियन, ठीक है, और कंजेक्टिवली 2 ओलंपिक से उसने आपको मेडल दिला रही है, और आपका एक रेसलिंग ऐसा इवेंट है जो पिछले पीछे कितने सालों से, ठीक है, पिछले 4 ओलंपिक से आपको मेडल दे रहा है, रेसलिंग में मेडल आता ही आता है। तो कुछ एक इवेंट है जहां पे गवर्नमेंट को सबको लगता था कि ये प्लेयर हमारे अच्छे हैं, तो उन्होंने बेस्ट उनको फैसिलिटीज दी है, और आपका प्राइम मिनिस्टर ने तो सबको एक एक को इनवाइट करके वहां से और ज्यादा मोटिवेट किया है, दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल। आपके यूपी गवर्नमेंट ने इनको एक वहां पे ऑर्गेनाइज किया फंक्शन, जिसमें जितने ही प्लेयर्स हैं उनको कॉल किया था, सेम इन योर स्टेट पंजाब, देयर इज अ वन फंक्शन इन चंडीगढ़ इन विच यू हैव सीन दैट फंक्शन, वो भी नहीं देखा होगा। नो सर, ओ, अमरिंदर सिंह ने फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपको पता है क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, प्रॉमिस करती है कि आपको हम 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, व्हाटसो एवर इज प्राइज मनी, आपको इतना प्राइज मिलेगा, आप ओलंपिक में मेडल लेके आते हो, आप गोल्ड लाते हो, सिल्वर लाते हो, ब्रॉन्ज लेके आते हो, और इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग। इन्होंने क्या किया बेटा, ऑन द स्पॉट उनको चेक दिए, और दैट इज 2.5 करोड़ के हॉकी वालों को स्पॉट पे प्रमोशन दी है। इंडिया टीम का जो कैप्टन था, ही इज अ डीएसपी इन पंजाब पुलिस, उसको वहीं पे फंक्शन में एसपी बनाया गया विद द प्रेजेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, स्पोर्ट्स मिनिस्टर सोडी, ठीक है, ऑल द डिग्नेटरी ऑफ गवर्नमेंट, वो सारे वहां पे होते हैं फंक्शन में। तो वहां पे उसको उनको ऑन द स्पॉट वहां पे प्रमोशन दी गई, जो बच्चे जिन्होंने कहा हमने पुलिस में जॉब लेनी है उनको डायरेक्ट डीएसपी की जॉब की ऑफर दी गई, प्लस कैश प्राइज। कैश प्राइज ये नहीं कि आपको प्रॉमिस कर दिया और फिर उसके लिए आप वेट करो मिलेगा साल बाद 6 महीने बाद, उन्होंने वहीं पे उन्होंने उनको मनी दी है, वो दैट कैश प्राइज। तो दैट इज अ साइकोलॉजिकली बूस्ट अप फॉर दैट पर्सन। अभी वो छोटे हैं, कोई 22 साल का है, कोई 21 साल का है, दे आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट, अगर उनको कोई इंजरीज नहीं है, सब ठीक ठाक रहा, तो नेक्स्ट ओलंपिक भी खेलेंगे। तो आपका मेन, मैं ये बता रहा हूँ साइकोलॉजी का, इसीलिए मैं आपको ये टॉपिक आज करवा रहा हूँ,
गेम हो, कोई भी चीज हो, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपके घर पे एक माहौल है, आपको बोला जाता है कि यू बिकम आईएएस, ये आईएएस का रोल होता है, वो डीसी जब बनते हैं पूरे आपके जिले के मालिक होते हैं, ठीक है। तो अगर आपने स्पोर्ट्स में जाना है, आईपीएस आर्मी में जाना है, तो ये एक आपको साइकोलॉजिकली क्या होता है, एक आपके माइंड में माइंडसेट बन जाता है आपका, फिर बिहेवियर ही उस टूवार्ड्स दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए हो जाएगा, आप उसके लिए मोटिवेट हो जाओगे, ये आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये साइकोलॉजी बहुत काम आती है, जो साइकेट्रिस्ट बड़े बड़े होते हैं, दे आर क्या करते हैं, आपका माइंड की मैपिंग भी करते हैं, यू हैव सीन इन अ क्रिमिनल केसेस जो बहुत ही हाई प्रोफाइल के होते हैं, आपने देखा होगा वहां पे उनको क्या करते हैं, उनका माइंड को रीड करते हैं साइकोलॉजिस्ट, उनसे एक एक चीज वो बुलवा देते हैं, तो वहां पे भी ये बहुत एडवांस टेक्निक है, इसका हर जगह हर फील्ड में रोल है आपका, कहीं पे भी आप चल जाओ। देन हमारा इसमें नेक्स्ट आ जाता है, व्हाट इज स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, सिंपल है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में क्या है, साइकोलॉजी में भी आप बिहेवियर कर रहे हो, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में आपने अपने प्लेयर का बिहेवियर क्या करते हो, चेक करते हो, ड्यूरिंग आफ्टर बिफोर एनी इवेंट, दैट इज द मेन, जो आपने अपने प्लेयर्स का बिहेवियर को चेक करना है रिलेटेड टू फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, दैट इज अ मेन थिंग, क्योंकि हमने स्पोर्ट्स से क्या लिया है, स्पोर्ट्स से हमने लिया है कि आप जब खेलते हो उससे पहले आप नर्वस रहते हो, आप जब फील्ड में होते हैं आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, ठीक है, अगर आप जीतते हो या हारते हो उसके बाद आपका क्या साइकोलॉजी रहती है माइंड में, कि मैंने दोबारा से क्या करना है, अपने सेम पोजीशन को, उससे अच्छी पोजीशन को टारगेट लेके चलना है, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, जब हम प्लेयर्स की साइकोलॉजी को रीड करेंगे उसके बारे में हमको पता लगेगा कि वो किस लेवल पर, डिप्रेशन पे, आपने देखा होगा कई लोगों की परफॉर्मेंस स्टेग्नेशन हो जाती है, ठीक है, तो उसको साइकोलॉजिकली मेंटली उसको उसके मोराल को बूस्ट करते हैं, देर आर डिफरेंट टेक्निक्स, ठीक है, जैसे आपको ये प्राइज रखे हैं गवर्नमेंट ने, या जॉब्स रखी हैं, किस लिए रखी, दैट इज फॉर सेम रीजन कि आप अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दो, अगर आपको पता है कि कल को मेरा मेडल आता है, मुझको इतने करोड़ मिलेंगे, मेरे को ये जॉब मिल जाएगी, अभी आपने उसका रानी ताल क्या है वो इंडियन वुमेन की हॉकी की जो आपकी कैप्टन है, उसका इंटरव्यू, उसने पता क्या बोला था, जब वो हॉकी सीखने गई, शी इज फ्रॉम हरियाणा शाहबाद, तो उसको वहां पे बोला गया था कि आप इतने छोटे हो और आपका वेट कितना, उसका वेट था 26 या 28 kg, यू आर नॉट फिट फॉर हॉकी, आफ्टर 1 ईयर अगेन शी वेंट देयर, दैट इज अ मेन सेंटर फॉर वुमेन हॉकी, ठीक है, हॉकी के वहां से बहुत ज्यादा लड़कियां इंटरनेशनल निकली है, तो शी इज मोटिवेटेड बाय सुरेंद्र कौर, वन ऑफ द बेस्ट हॉकी प्लेयर, शी प्लेड फॉर 10-15 ईयर फॉर इंडिया, ठीक है, तो उसने ऐसे एग्जाम्पल देखे थे, फिर उनको उसके माइंड में ये था कि अगर हम अगर इंडिया खेलेंगे, अगर हमारा इंडिया में मेडल आ जाता है नेशनल में या ओलंपिक में कहीं पे भी, तो जॉब्स बड़ी अच्छी मिलती हैं, ठीक है, तो दे ऑल आर बिलोंग्स टू अ लोअर मिडिल क्लास फैमिली, अगेन आफ्टर 1 ईयर्स के बाद वो गई, वहां पे कोच है बलवीर सिंह, वन ऑफ द सीनियर मोस्ट कोच हु प्रोड्यूस मोर देन 60-70 नियर अबाउट 100 इंटरनेशनल प्लेयर्स, कैन यू इमेजिन, उनके सेंटर में इतने बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं, वुमेन्स वुमेन्स में खासकर, तो उसको जब उन्होंने दोबारा वहां पे रखा, ठीक है, देन शी स्टार्टेड प्लेइंग, उसमें टैलेंट अच्छा था, और उनका जब कैंप आगे लगा नेशनल कैंप के लिए, तो वहां पे उसको सिलेक्टर ने बाहर निकाल दिया कि शी इज नॉट फिट फॉर नेशनल टीम, आप ये देख लो, और उसको बोल दिया गया, उसके कोचिज को भी बोल दिया गया कि ये आगे नेशनल और टीम में नहीं आ सकती है, फिट नहीं है उसके लिए अभी। उसके बाद उनके कोच ने 1 ईयर तक उसके साथ साइकोलॉजिकल मेंटली आप उसको बूस्ट करते हुए उनको उसको प्रैक्टिस कराई, अगेन देन व्हेन दे गोज फॉर नेशनल, नेशनल होती है ना जब नेशनल गेम्स होती है, तो आई थिंक गुवाहाटी या कहाँ पे उनकी गेम थी नेशनल, तो वहां पे जो चीफ सिलेक्टर थे, सिलेक्टर्स आते हैं फिर नेशनल जब मैचेस होते हैं वहां पे हर गेम के, डिफरेंट गेम के सिलेक्टर्स आते हैं, तो वो भी इंडिया के पुराने प्लेयर बैठे थे इंटरनेशनल प्लेयर, उन्होंने उसको देखा, उसके टैलेंट को देखा,
बट हर एज इज नियर अबाउट 14-15 ईयर्स की थी वो, मेरे ख्याल 14-15 अराउंड। तो उसको कहा कि अभी ये बहुत छोटी है, आपको कहते अगर हम टीम में कैंप में डाल सकते हैं, बट आपको कैंप में हर दिन नेक्स्ट डे पिछले डे से बेटर करना होगा। दैट इज अ साइकोलॉजिकली उसको उन्होंने बूस्टअप करने के लिए उसको बोल दिया कि अगर आप हर दिन एक दिन आज किया उससे नेक्स्ट डे उससे अच्छा करोगे, नेक्स्ट डे उससे अच्छा करोगे, देन देयर विल बी चांसेस फॉर इंडियन टीम। और वो देख लो बाद में सी सिलेक्टेड फॉर इंडियन टीम एट द एज ऑफ यंगेस्ट। तो अब देख लो अब कहां से कहा, ये एक छोटी छोटी चीजें जो बड़ा बहुत लोगों को बहुत बड़ा प्लेयर बनाती है। तेंदुलकर के कोच का नाम पता है? नो सर। अचरेकर सर फ्रॉम बॉम्बे। वो क्या करते थे, उसको आपने मूवी भी देखी होगी शायद उसकी, स्टंप्स के ऊपर उन्होंने कॉइन रख देने, सिक्के रख देने, और बॉलर को बोलना जो इसको आउट करेगा ये सारे सिक्के कॉइन उसके। एंड दैट टाइम वो सिक्कों की वैल्यू बहुत ज्यादा होती थी, ठीक है। तो वो वहां पे अपने बॉम्बे में भेलपुरी पाव वगैरह वो खाते होते थे, वहां से जब निकलना है उन्होंने प्रैक्टिस करके। तो आप ये सोचो कि वो पूरे पूरे महीने आउट ही नहीं होता था, बॉल विकेट पे लगने नहीं देता था। उसको पता अगर बॉल नहीं लगेगी मेरी विकेट पे तो ये कॉइन मेरे हो जाएंगे। दैट इज डिफरेंट वे ऑफ साइकोलॉजी करिए। आप उस किसी भी बच्चे को कैसे मोटिवेट कर सकते हो, उसके लिए डिफरेंट आपने टेक्निक अपनी यूज कर सकते हो। इट इज नॉट कि ये कोई मेंशन की है कि आपने ये काम करना है, दैट इज योर लेवल। आपने अपने प्लेयर को कैसे मोटिवेट करना है, तो ये कोचिज के लिए, ठीक है, टीचर्स के लिए। अब आपने देखा होगा स्कूल में कई बच्चे पढ़ते हैं अच्छा है, कई नहीं पढ़ते हैं, वो हर आदमी का अपना IQ लेवल होता है, ठीक है। उसका ये नहीं कि हर आदमी डॉक्टर और इंजीनियर बनेगा या स्पोर्ट्स पर्सन बनेगा, देर इज लिमिटेशन, हर चीज की लिमिट होती है। अब आप में जो है आप उससे ज्यादा कैसे उसको करना है, दैट इज डिपेंड अपॉन योर टीचर कोचिज, ठीक है, जो आपको गाइड कर सकते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, वो आपको इसमें और मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है। और मोटिवेट कैसे करते हैं, हम साइकोलॉजी कर सकते हैं, डंडे के जोर पे तो हम कर नहीं सकते या मार के नहीं कर सकते, ठीक है। आगे क्या होता था, 15-20 साल पहले आप मार दिया किसी को, डंडे भी मार दिए, वो सब चलता था। बट नाउ डेज इवन आप किसी को ज्यादा जोर से बोल भी नहीं सकते हो, नाउ सिनेरियो इज डिफरेंट। तो देयर इज ओनली वे साइकोलॉजिकली आप कैसे किसी को मोटिवेट करते हो टू आर्स देयर एनी, जो भी उसका टारगेट है, जो भी उसका एक लेवल है, तो इसमें मेन रोल आपका मोटिवेशन का होता है। तो मोटिवेशन क्या है बेटा, एक मोटिवेशन होता है, मोटिवेशन मीन्स इंस्पायर टू डू समथिंग, जो आपका इनर सोल आपके अंदर से आवाज आती है, आप अंदर से किसी चीज को, इट इज अ लाइकिंग और डिसलाइकिंग, किसी चीज को आप लाइक करोगे जब आप, ठीक है, आपको पता ये चीज मुझको अच्छी लगती है, तो आपने वो चीज को लेना या अचीव करना उस चीज को, उसके लिए फिर आपके एक अंदर से आवाज आती है, यू आर मोटिवेटेड बाय इनसाइड, इट इज इंस्पायर टू डू समथिंग। किसी भी काम को करने के लिए जब आपको अंदर से आवाज आती है, ठीक है, इनसाइड, इट इज ए सेल्फ मोटिवेटेड, मैंने ये काम करना है, मैंने ये बनना है, मेरा ये काम है, ये मेरा लेवल है, तो दैट इज मोटिवेशन, ठीक है। तो मोटिवेशन मीन्स टू डू या टू बी इंस्पायर्ड टू डू समथिंग, ठीक है। तो इसमें हम टू टाइप्स के आपका होता है, एक इंटर्नशिप जिसको इंटरनल बोलते हैं, एक एक्सटर्नल मोटिवेशन। इट इज मोस्टली ऑफ टू टाइप्स, सिंपल वर्ड में इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल जो आपके अंदर से आपको लगता है कि मैंने ये काम करना है, जो आपके एक लाइकिंग होती है कि मैंने ये चीज करनी है, दैट इज इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। जो काम आपको करने में अच्छा लगता है, आपको आप उसको लाइक करते हो, तो नेचुरली आपको जो चीज अच्छी लगेगी उसको आप करोगे, उसको लिए आप मोटिवेट हो जाओगे उस काम को करने के लिए, यू विल गो फॉर योर ऑल आउट कि मैंने ये काम करना ही है, तो दैट इज इंटरनल मोटिवेशन। देन नेक्स्ट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन, जो आपको बाहर से कोई मोटिवेट करता है और उसका बहुत ज्यादा रोल है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है किसी भी पर्सन पे, ठीक है। कोई भी कंडीशन होती है, एनर्जी लेवल आपका है, डायरेक्ट सेक्शन है, कोई मोटिवेशन आपको कैसे कर रहा है, आपके बिहेवियर को कैसे उसने
मोल्ड करना है टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर टारगेट, उसमें डिफरेंट डिफरेंट आपके टाइप्स हैं, आपके इंट्रिंसिक एक्सटर्नल, जिसको हम इंट्रिंसिक भी बोलते हैं, इंटरनल। अब आपका मेन क्या है, इंटरनल तो आपका सारा कुछ हो गया, अब आपको मोटिवेट करना। हम जैसे सपोज एक बड़ा पहले क्वेश्चन ही आता होता था कि बच्चों को स्पोर्ट्स के लिए आप कैसे मोटिवेट कर सकते हो, और आपको कैसे पता है किस बच्चे की कौन सी गेम है, वो किसको लाइक करता है, कैसे पता करोगे आप बच्चों को गेम्स के लिए कैसे मोटिवेट करोगे? चलो सिंपल है, अगर आपको बच्चे, छोटे बच्चे ठीक है कहीं पे क्लास में बैठे हैं, आपने उनको स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करना है, तो कैसे करोगे आप लोग, विच स्टेप यू हैव टू टेक? सर वही जैसे आपने कॉइन वाली एग्जांपल दी थी वैसे कुछ, हाँ जी जैसे आपने अभी कॉइन वाली एग्जांपल दी थी कुछ वैसा ही। नहीं छोटे बच्चे बेटा, छोटे बच्चे हैं, जैसे छोटे आपके नर्सरी एलकेजी प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, आपने उनको मोटिवेट करना है टुवार्ड्स गेम एंड स्पोर्ट्स की, आप स्पोर्ट्स खेलो ठीक है, तो उसको कैसे आप मोटिवेट करोगे? प्राइस, प्राइस का बोल के। हाँ जी प्राइस, और ब्लू कार्ड वगैरह। प्राइस तो उनको बच्चों को आप दे दिए, एप्रिसिएशन हो जाए, जैसे अप्लॉड्स मिल जाए उनको, सर उनको एप्रिसिएशन अप्लॉड्स हो जाए उनके लिए। अब छोटे बच्चों को आप कोई भी प्राइज दे दो खुश हो जाते हैं उनको, ठीक है गेम में पढ़ाई में किसी चीज में मिल गया। सबसे पहले बेटा हमने क्या करना है, गोल सेटिंग, आपको स्पोर्ट्स के बारे में उनको नॉलेज देनी पड़ेगी, उनको बताना पड़ेगा अभी स्पोर्ट्स क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है ठीक है, अगर आप स्पोर्ट्स करते हो तो आपको लाइफ में क्या क्या यू कैन अचीव। एज यू नो नावाडेज तेंदुलकर को हर बच्चा जानता है ठीक है, नीरज चोपड़ा को आप किसी भी कहीं पे भी इवन रिमोट एरिया में भी पूछ लो ना कि हु इज नीरज चोपड़ा, वो सब बता देंगे आपको कौन है ठीक है। आधे लोगों को आपके प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता होगा रिमोट एरिया में, या आपके कोई लीडर्स का नहीं पता होगा, या कोई आपके बड़े बड़े जो डॉक्टर है इंजीनियर का नहीं पता होगा, साइंटिस्ट का नहीं पता होगा, बट अब आप जितने भी ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं आप किसी से भी पूछ लीजिए उनके बारे में, आपको हर आदमी बता देगा ये कहाँ से बिलोंग करता है, इसका कौन सा इवेंट है, इसको इतने करोड़ रुपए मिल गए, वो तो सब बता देगा। तो नेम फेम मनी ठीक है, जो आपको स्पोर्ट्स में गेम में मिलती है वो कहीं पे भी नहीं मिलती, नो डाउट आपका और भी पोजिशन होती है, बट उनको उससे रिलेटेड लोग देखते हैं याद करते हैं, बट स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है, स्पोर्ट्स एंड गेम्स ठीक है, जब आपको ये पूरा आपके टीवी से डिफरेंट आपके ऑडियो वीडियो से सबको दिखाया जाता है, और एक प्राइड कंट्री का अगर मेडल कोई लेके आता है तो उसका इतनी पब्लिसिटी होती है, इतना लोगों को वो दिखाया जाता है न्यूज चैनल में सब में, तो नेचुरली हर आदमी देखता है कि हाँ जी ये ऐसा है, इसको इतने पैसे मिल गए। अब आप देख लो उसको कितना, नीरज चोपड़ा को कितनी फैसिलिटीज दे रहे हैं गवर्नमेंट ठीक है, कितना उसको प्राइज मनी मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको बच्चों को ये बताना पड़ता है, और जितने छोटे बच्चे हैं आज की डेट में नंबर वन फैन फॉलोइंग नीरज चोपड़ा की है, आपके जितने बड़े बड़े स्टार्स हैं उनको भी पीछे छोड़ गया, ये जितने भी एक्टर एक्ट्रेस है ठीक है। और प्लस आपने एक चीज नोट करनी है बेटा, ही इज अ वर्ल्ड चैंपियन जूनियर ठीक है, कॉमनवेल्थ में मेडल है उसका, अभी गोल्ड मेडल लेके आया, बट आपने कहीं भी उसकी स्पीच में या कहीं पे भी आपने ये नहीं सुना होगा कि मैं बहुत कुछ अचीव कर लिया है ठीक है। अब उसका नेक्स्ट मोटिव क्या है, 90 meters क्रॉस करना है, एंड कॉमनवेल्थ देन एशियन गेम्स आ रही हैं उसमें और अच्छा करना है। तो वो जो बड़े लेवल के प्लेयर होते हैं दे आर हाईली मोटिवेटेड, और उसका अभी तक का रिकॉर्ड है वो फर्स्ट सेकेंड अटेम्प्ट में ही अपना बेस्ट दे देता है जितने भी इवेंट उसने किए, सो दैट दूसरे बंदे क्या आते हैं उनको प्रेशर पड़ जाता है, जिनकी फर्स्ट फाउल होगी सेकेंड फाउल होगी है,
तो इसीलिए बच्चों को हम क्या बोलते हैं, बच्चों को हमने गोल सेटिंग करनी है, उनको बताना है इसकी वैल्यू क्या है, इससे क्या क्या आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका फ्यूचर सिक्योर हो गया, आपने एक मेडल ले लिया थ्रू आउट लाइफ, ठीक है, आप ये देख लो थ्रू आउट लाइफ आपको कुछ कुछ भी, आप अगर कल को इंजरी होती है कुछ भी होता है, यू हैव वन बिग बिग प्राइज मनी, ठीक है। तो फिर उसमें नॉलेज उस गेम के बारे में उनको बतानी पड़ती है बच्चों को, उसको इक्विपमेंट अच्छा दिखाओ आप बच्चों को, आपके पास एनवायरनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा अच्छा होना चाहिए, तभी आपके इंडिया में लोग बच्चे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजेंगे अगर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरनमेंट अच्छा होगा, ठीक है। अगर एनवायरनमेंट से आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा है, जहाँ आप खेल रहे हो वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा है, अच्छे प्लेयर वहाँ पे आते हैं, अच्छे कोचेज आते हैं, तो नेचुरली जो छोटे बच्चे होते हैं वो मोटिवेट होते हैं, बड़ों को देख के वो सीखते हैं, ठीक है, उनको उनके बारे में बातें करके, उनके उनके अचीवमेंट को देख के बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं। तो छोटे बच्चों को डिफरेंट बड़े बड़े प्लेयर्स की स्लाइड्स दिखाते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में बताते हैं, ठीक है। कोई भी स्पोर्ट्स अगर ऑप्ट करता है बच्चा, उसके जितने भी आपके टॉप लेवल के जो बड़े अच्छे अचीवर्स रहे हैं अपने स्पोर्ट्स पर्सन, उनके बारे में बताते हैं, उससे क्या होता है एक माइंडसेट बच्चे का बन जाता है। उसको रिवार्ड्स के बारे में बताना है कि आपको ऑनर मिलता है, ऐसे ऐसे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आपको अवार्ड देता है, चीफ मिनिस्टर अवार्ड देते हैं, स्पोर्ट्स मिनिस्टर अवार्ड देते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अवार्ड होते हैं, ठीक है। तो सोशल अवार्ड्स आपका गवर्नमेंट के अवार्ड होते हैं, कई प्राइवेट जो आपके एसोसिएशन है वो आपको ऑनर करती है। आपको पता है टाटा वालों ने सबको इनको कार ऑफर की है, यस सर, पता है ना, हाँ ये देख लो, मतलब बहुत सी प्राइवेट ऐसी एजेंसीज हैं जो अपने आप से अपने बिहाफ में प्लेयर्स को मोटिवेट करते रहते हैं। तो साइकोलॉजी का बेटा बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड साइकोलॉजी, कोई भी गेम आप खेल लो,